दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे असम मेंस T20 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा BDM वर्सेस AC के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको यही मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊं तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो यार YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में तालुकदार का आपके पास ऑप्शन है जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 3 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 5 रन इन्होंने करे, फिर 2 रन पे आउट हो गए और 16 रन इन्होंने करे, तो रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी इनकी नहीं चल रही है दोस्तों। वहीं यहाँ पे अगर हम अग्रवाल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर के बारे में देखो, अगर आप इनका सिलेक्शन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ बताओ, इनका जो बैटिंग ऑर्डर रहता है वो नंबर 7-8 पे रहता है, जो कि काफ़ी नीचे हो जाता है और कई बार तो इससे भी नीचे बैटिंग ऑर्डर रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर गौरव साइकिया के बारे में बात करें दोस्तों, इनका बैटिंग ऑर्डर जो रहता है टॉप ऑर्डर का रहता है, यानी ओपन करेंगे, लास्ट मिनट में 12 रन इन्होंने करे, उससे पहले 1 रन इन्होंने करे, फिर 23 रन इन्होंने करे दोस्तों, 6 रन इन्होंने करे और 2 रन करे, कुछ ऐसा इनका परफॉर्मेंस है। 3 विकेट कीपर है, मैं यहाँ से गौरव के साथ जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि ओपन करेंगे तो पावर प्ले में रन करके दे सकते हैं। बैटिंग के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, तो रोशन का आपके पास ऑप्शन है नंबर 6 पे बैटिंग करते, लास्ट ओवर में 9 रन करे, उससे पहले 17 रन करे, फिर 6 रन करे और 5 रन करे, पहले इनकी टीम बैटिंग करती है तो आप ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। मनाश गोगोई ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मैच में 24 रन इन्होंने करे, उससे पहले 0 पे आउट हो गए, फिर 40 रन इन्होंने करे, 11 रन इन्होंने करे, इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड भी अच्छा है, मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। साहिल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, तो यार काफ़ी ज़्यादा नीचे इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है नंबर 8-9 पे। एम डेका के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर इनका भी आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगा, नंबर 7 पे ये बैटिंग करते हैं, लास्ट मिनट में 1 रन इन्होंने करे, उससे पहले 3 रन इन्होंने करे, इन 2 मैचेस में 3 विकेट निकाले। इनको रखने का एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको बॉलिंग करवा के दे देते, तो उस केस में आप इनको ज़रूर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पूरे ओवर आपको करवा के दे। अभी मैं इनको नहीं रख रहा हूँ, टॉस के बाद मैं देखूँगा रखना या नहीं रखना दोस्तों। सिंगा रॉय के बारे में अगर हम बात करें, नंबर 5 आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मिनट में 12 रन इन्होंने करे, उससे पहले 47 रन इन्होंने करे, इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। चक्रवर्ती के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे और लास्ट मिनट में 3 रन पे आउट हो गए थे, उससे पहले इन्होंने 23 रन इन्होंने करे, लेकिन अगर आप इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे ना डोमेस्टिक वगैरह में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, मुझे लगता है आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा ये सोनार का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन यार बैटिंग ऑर्डर इनका नंबर 8 पे हो जाता है, जो कि काफ़ी नीचे, हालांकि लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने बॉलिंग से निकाले। भाई अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो ये आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, उस केस में आप ज़रूर इनको लेके चल सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर BDM पहले बैटिंग करे तो आप सोनार को अपनी टीम में रख सकते हो,
अदरवाइज यहाँ से अगर एसी पहले बैटिंग करती है तो डेका को रख सकते हो, दोनों में से हम किसी एक को रखेंगे, वो टॉस के बाद डिसाइड करेंगे किसकी टीम पहले बैटिंग कर रही है और बॉलिंग कर रही है। बाकी शर्मा का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन यार अगर इनका बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो सेम इनका भी बैटिंग ऑर्डर आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगा। हालांकि ये बॉलिंग करवाते बैटिंग में दिए हुए, दो मैचेस में 3 विकेट इन्होंने निकाले, ओपन डेथ में बॉलिंग करवा लेते, मैं इनको अपनी टीम में रख रहा हूँ, 3 हमारे बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर में जे अली का आपके पास सबसे पहले ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर तो देखो काफ़ी नीचे रहेगा, लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने निकाले बॉलिंग से, एज ए बॉलर आप इनको लेके चल सकते हो। ए बसफोर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहेगा, आकाश ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मैच में 32 रन करे, उससे पहले 19 रन इन्होंने करे थे, 0 रन इन्होंने करे, 17 रन इन्होंने करे, अगेन 19 रन करे, बॉलिंग भी करवा लेते तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जे कलिता को आपने काफ़ी देखा होगा दोस्तों डोमेस्टिक वगैरह खेलते हुए, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, मुझे लगता है आप इनको रख सकते हो, नंबर 3 पे ये बैटिंग भी करते हैं, लास्ट मिनट में 48 रन इन्होंने करे, उससे पहले 8 रन करे, 21 करे, 17 रन इन्होंने करे, 11 रन करे और बॉलिंग करवाते वो अलग, तो एक और अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। बाकी यहाँ पे बी साइकिया का आपके पास ऑप्शन है, नंबर 5 बैटिंग करते हैं, लास्ट मिनट में 4 रन करे, उससे पहले 0 पे आउट हो गए, फिर 3 रन इन्होंने करे, 11 रन करे, 44 रन करे, बॉलिंग वैसे करवाते लेकिन अभी रीसेंट में नहीं करवा रहे, अगर करवाएंगे तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। रबा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, एक और आपके पास अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं, धरानी रबा, लास्ट मैच में निकाले थे 2 विकेट, वैसे ये विकेट टेकर बॉलर है, रीसेंट के 5 मैचेस में इन्होंने 4 विकेट निकाले हैं, मैं इनको अभी अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। विश्वास के बारे में बात करिए, नंबर 4 बैटिंग करते, लास्ट मिनट में 29 रन करे, उससे पहले 45 रन इन्होंने करे, इन 2 मैचेस में 3 विकेट इन्होंने निकाले, रिकॉर्ड इनका अच्छा रहा है, बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग इनकी अच्छी रहती है। इनके अलावा यहाँ पे आर सरकार का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर देखोगे वो तो आपको काफ़ी नीचे ही नज़र आएगा, और बॉलिंग के बारे में बात करें, लास्ट रन में 1 विकेट निकाले, अभी तक 2 मैचेस में 3 विकेट निकाल चुके, पहले बॉलिंग करती है टीम तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके अलावा अहमद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, वसीम अहमद, लास्ट मैच में विकेट नहीं निकाल पाए, 2 मैचेस में 1 विकेट इन्होंने निकाले, लास्ट रन में 5 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले इन्होंने 8 रन करे। वहीं बैटिंग ऑर्डर अगर देखोगे वसीम का किस नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे तो वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे ही नज़र आएंगे, नंबर 9 पे। इनके अलावा छेत्री का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, लास्ट रन में 2 विकेट निकाले थे और 5 रन इन्होंने करे थे, स्पिनर है तो देखो विकेट निकाल के दे सकते हैं, बाकी अगर बैटिंग ऑर्डर भी देखोगे इनका तो वो तो आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगा, मैं फ़िलहाल 5 ऑलराउंडर लेके चल रहा हूँ। बॉलिंग में दास साइकिया का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, लास्ट में विकेट नहीं निकाल पाए, हालांकि रीसेंट के 5 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने अभी तक निकाले। इनके अलावा आर अमीन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन ओवर वगैरह कट सकते, रीसेंट लास्ट मिनट में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो अगर पहले बॉलिंग करती है टीम। मंदम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट, वो भी मैं आपको इनके बारे में अपडेट कर देता हूँ। देखो यार ये बॉलिंग में दिए हुए, लेकिन ओपन करते लास्ट मिनट 22 रन करे, उससे पहले 0 रन इन्होंने करे, तो ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग में दिए हुए फिर से बता रहा हूँ, लेकिन ओपन करेंगे। सहानी के बारे में अगर हम बात करें तो भाई इनके भी ओवर वगैरह कर सकते, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं निकाले, उससे पहले भी कोई विकेट नहीं निकाले, फिलहाल मैं ऐसे मंडम को अपनी टीम में रख रहा हूँ, वो दास को रख रहा हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में हम बात करें, जिनको आप इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपके पास विश्वास का ऑप्शन होने वाला है और काफ़ी लोग जो है इनको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं और इनकी फॉर्म भी अच्छी है। इनके अलावा कलिता एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं और यहाँ पे आकाश, 3 आपके पास ऑप्शन है, मेरे कैप्टन रहेंगे कलिता और यहाँ पे ऋतुराज विश्वास वाइस कैप्टन। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रिव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करना और यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।